हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। आज एक क्वेश्चन है कि डार्सो वेंट्रल क्या होता है। हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने डार्सल और वेंट्रल इन दोनों जो टर्म्स हैं इनको एक्सप्लेन किया था। तो उसी में हमारे एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन किया है कि डार्सो वेंट्रल क्या होता है। तो हम सबसे पहले याद दिला दें कि डार्सल क्या होता है और वेंट्रल क्या होता है। अब वैसे वो वीडियो जो है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसको देख लीजिएगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर डार्सल का मतलब होता है बैक वाला व्यू। जो हमारा बैक वाला पोर्शन है ये पूरा डॉर्सल है और ये जो फ्रंट है ये वेंट्रल है। मतलब ये हमारा जो बेली वाला जो फ्रंट वाला हिस्सा है इसको हम वेंट्रल कहेंगे और जो बैक वाला पीठ वाला हिस्सा है इसको हम डॉर्सल कहेंगे। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि डॉर्सल क्या है और वेंट्रल क्या है, लेकिन डॉर्सो वेंट्रल क्या है? तो डॉर्सो वेंट्रल का मतलब ये होता है कि जो डॉर्सल से वेंट्रल तक के फैला हुआ हो, जो ऑर्गन डॉर्सल से वेंट्रल तक के हो तो उसको हम डॉर्सो वेंट्रल कहते हैं। और इसी का जस्ट अपोजिट एक होता है वेंट्रोडॉर्सल, तो उसका मतलब होता है कि वेंट्रल से डॉर्सल की तरफ। अब ये जो दो टर्म है डॉर्सल डॉर्सो वेंट्रल और वेंट्रोडॉर्सल, तो हम सबसे पहले बात करते हैं डॉर्सो वेंट्रल पे। तो अगर इसमें जो डॉर्सो वेंट्रल व्यू जो आता है, आप ये तो समझ गए कि डॉर्सो वेंट्रल क्या होता है। डॉर्सो वेंट्रल मतलब जो डॉर्सल से वेंट्रल तक फैला हुआ हो, और वेंट्रोडॉर्सल का मतलब ये होगा जो वेंट्रल से डॉर्सल तक फैला हुआ हो। अब डॉर्सो वेंट्रल व्यू क्या हुआ? तो डॉर्सो वेंट्रल व्यू ये होता है कि आप डॉर्सल की तरफ से वेंट्रल को देखना चाहें, अगर जिस तरह से डॉक्टर्स देखना चाहते हैं एक्सरे और कोई भी दूसरे मीडियम से जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उसको, तो डॉर्सो वेंट्रल अगर वो कहते हैं तो इसका मतलब ये कि डॉर्सल साइड से वो वेंट्रल की चीज को देखना चाहते हैं डॉर्सल साइड से। और अगर वो कहते हैं वेंट्रोडॉर्सल तो इसका मतलब ये कि वो वेंट्रल साइड से जो डॉर्सल की तरफ को की चीज को देखना चाहते हैं। तो ये व्यू हो जाता है डॉर्सो वेंट्रल और वेंट्रोडॉर्सल। तो डॉर्सो वेंट्रल आपने पूछा था, तो डॉर्सो वेंट्रल ये हुआ कि जो डॉर्सल से वेंट्रल तक फैला हुआ हो वो डॉर्सो वेंट्रल हुआ। मतलब ये कि जो बैक से लेकर के और बेली तक के, पीठ से लेकर के और हमारे पेट तक के जो फैला हुआ हो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे डॉर्सो वेंट्रल। और इसी डॉर्सो वेंट्रल को जब हम बॉटनी में बात करेंगे, तो जूलॉजी में हुआ डॉर्सो वेंट्रल, यहां पर हम राइट कर दें ये हो गया डॉर्सो वेंट्रल। ये जूलॉजी में इसको डॉर्सो वेंट्रल टर्म यूज किया जाता है, लेकिन अगर बॉटनी में यूज करेंगे तो कहेंगे डॉर्सी। ये जो हमने डॉर्सो कहा ना, ये डॉर्सो, तो हम क्या कहेंगे? डॉर्सी कहेंगे इसमें, डॉर्सी वेंट्रल, डॉर्सी वेंट्रल। बॉटनी में जब हम ये टर्म यूज करेंगे तो हम कहेंगे डॉर्सी वेंट्रल। डॉर्सी वेंट्रल समझाने के लिए सबसे अच्छा जो एक एग्जाम्पल हम यूज कर सकते हैं वो है लीफ का। लीफ हम जानते हैं इस तरह से लगी हुई थी, जैसे स्टेम है, तो यहां से जो लीफ लगी है इस तरह से, ये तो अब इसका जो ऊपर वाला पोर्शन हुआ, जो ऊपर वाला पोर्शन है ये लीफ है, इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है ये इसका वेंट्रल साइड है, और जो नीचे वाला पोर्शन है इसका क्या हुआ? ये डॉर्सल साइड है। ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ये वेंट्रल साइड है, और नीचे वाला जो नीचे वाला पोर्शन होगा वो क्या होगा? ये डॉर्सल साइड होगा। तो अगर हम लीफ को ऐसे कट करें, ये मान लिया जाए एक सीधी सी लीफ हमने यहां पर ऐसे ड्रॉ कर दी, और ये हमने इसका वेंट्रल साइड बनाया और इसके बैक वाला डॉर्सल साइड। अब हम इसको ऐसे कट कर दें, हम इसको यहां से कट कर दें, और कट करने के बाद इस तरह से साइड से देखें, मतलब ये कि ये अगर कोई लीफ है इस तरह से, और इसको ये आप देखिए इस तरह से अगर कोई लीफ है ये इस तरह से, और यहां से हम कट कर दें तो जो हमें सामने से दिखेगा, अब इसको हम कट करेंगे तो क्या होगा? ये अपर हो गया, ये लोअर हो गया। ये मान लिया जाए अपर स्किन इसकी है और ये लोअर है, तो अब ये क्या हो गया? ये अपर वाला क्या होगा? ये वेंट्रल साइड हो जाएगा, और ये लोअर वाला क्या हो जाएगा? डॉर्सल साइड होगा। अब इसमें जो कुछ भी हम सेल्स ड्रॉ करेंगे सारा कुछ, तो इस व्यू को हम क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? डॉर्सी वेंट्रल। मतलब यहां डॉर्सल से लेकर के वेंट्रल तक के फैला हुआ पूरा, जब हम इसको दिखाएंगे तो हम क्या कहेंगे? तो हम इसको कहेंगे डॉर्सी वेंट्रल। तो जब बॉटनी में हम बात करते हैं तो हम उसको कहते हैं डॉर्सी वेंट्रल, मतलब यहां पर आई यूज हो जाता है, आई ये, और जब एनिमल के केस में बात करेंगे तो ओ डॉर्सो वेंट्रल होगा, और जब बॉटनी में बात करेंगे तो उसी को कहेंगे डॉर्सी वेंट्रल। तो डॉर्सो वेंट्रल आपने पूछा था, तो डॉर्सो वेंट्रल का मतलब होता है कि जो डॉर्सल से वेंट्रल तक फैला हुआ हो उसको डॉर्सो वेंट्रल कहते हैं, और वेंट्रोडॉर्सल इसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है। और जब बॉटनी में हम बात करेंगे तो हम कहेंगे डॉर्सी वेंट्रल। डॉर्सी वेंट्रल ये लीफ से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि लीफ का ऊपर वाला पोर्शन हो गया वेंट्रल, नीचे वाला हुआ डॉर्सल। आप उसको कट कर देंगे तो उसमें ऊपर से नीचे तक के जब पूरा उसको जब कट करके आप देखेंगे तो पूरा व्यू जो दिखेगा उसी को आप कहेंगे डॉर्सी
वेंट्रल, मतलब ये कि इसके डार्सल साइड और वेंट्रल साइड उसके बीच में जो कुछ भी है वो सब शो हो रहा है, तो उसको उससे क्या कहेंगे, डॉर्सी वेंट्रल कहेंगे बॉटनी के केस में, और जूलॉजी के केस में कहेंगे डॉर्सो वेंट्रल। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि डॉर्सो वेंट्रल क्या होता है। काफी पहले आपने क्वेश्चन किया था लेकिन हम उसका आंसर नहीं दे पाए, फिर बीच में रह गया और काफी दिन बाद हमने फिर आपका कमेंट देखा तो हमें फिर याद आया। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है या किसी तरह का और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।